मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा आज भोपाल में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि मतदान के दिन शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के स्वच्छता व अन्य वाहनों के माध्यम से प्रत्येक वार्डों में सूचना दी जाएगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस ग्रुप मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। सतना लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 9 के अंतर्गत सतना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की उपस्थिति में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 से मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दूसरे चरण के मतदान के लिए होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना की उपस्थिति में होशंगाबाद विधानसभा क्रमांक 137 के लिए SNG स्कूल परिसर से मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरित की गई। रीवा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10वें लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल की उपस्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से निर्वाचन सामग्री का वितरण कर मतदान कर्मियों को इनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। टीकमगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा व अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला गया। तत्पश्चात शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया गया। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा बहोरी बंद और विजय राघवगढ़ के लिए मतदान दलों को कृषि उपज मंडी परिसर कटनी से निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया।